जरी इश्क खैबर शिकन, हम हैं फखरे जहां, हम हैं फखरे वतन, हम हैं तामीरियन, हम हैं तामीरियन। मैट्रिक इम्तिहानात तामीर वतन की बोर्ड टॉप करने की हैट्रिक मुकम्मल। एबटाबाद बोर्ड में पहली और दूसरी पोजीशन। तामीर वतन पब्लिक स्कूल्स एंड कॉलेजेस ग्रुप ऑफ एजुकेशन पाकिस्तान की तालिबा इमामा नूर ने 1064 नंबर लेकर पहली और तूबा मुर्तजा ने 1059 नंबर लेकर दूसरी पोजीशन हासिल की। वजीर आला हाउस खैबर पख्तूनख्वा में मुनक्किदा तकरीब में तालिबात को शील्ड और नकद इनामात से नवाजा गया। तामीर वतन के रूह रवान डायरेक्टर जनरल मलिक मोहसिन सईद ने खुसूसी पैगाम में कहा, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन एबटाबाद ने आज अपने मैट्रिक के नतज का ऐलान किया और इस पे रवायत तामीर वतन पब्लिक स्कूल एंड कॉलेजेस ने इस साल भी एबटाबाद बोर्ड को टॉप किया। मैं इस कामयाबी का सेहरा अपनी तामीर वतन पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज की इंतजामिया को, तामीर वतन के टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, उनके पेरेंट्स को देता हूँ। मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला करें ये जो कामयाबियाँ हैं जो स्टूडेंट्स समेट रहे हैं, अल्लाह ताला करें इनकी अपनी ज़िंदगियों में भी ये कामयाबियाँ इस तरह रवा दवा रहे। तामीर वतन के कोहला मश्क एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कम प्रिंसिपल मलिक एहसन सईद ने बातचीत करते हुए कहा, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन एबटाबाद ने साल 2023 के नतायज का ऐलान किया है। तामीर वतन पब्लिक स्कूल्स एंड कॉलेजेस ग्रुप ऑफ एजुकेशन पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह बोर्ड टॉप किया है, ओवरऑल फर्स्ट और सेकेंड पोजिशन हासिल की है। तामीर वतन की इन कामयाबियों का सेहरा डेडिकेट में अपने पेरेंट्स के नाम करना चाहता हूँ, जिनकी दुआओं की वजह से इंस्टीट्यूशन तामीर वतन आज अल्हम्दुलिल्लाह फल फूल रहा है, बेहतरीन नतीजे दे रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह इन दो पोजीशन के साथ साथ ओवरऑल तामीर वतन के पांचों कैंपसेस एबटाबाद और मानसरा के पांचों कैंपसेस के अंदर बच्चों ने बहुत बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई है। 9th और 10th दोनों में 935 तलबा और तालबात ऐसे हैं जिन्होंने ए और A1 ग्रेड्स हासिल किए हैं। 608 तलबा और तालबात ऐसी हैं जिन्होंने A1 ग्रेड्स हासिल किए हैं और 327 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ए ग्रेड हासिल किया है। अल्हम्दुलिल्लाह मैट्रिक 2023 के बहुत शानदार नतीजे हैं। तामीर वतन की एक रवायत रही है, एक हिस्ट्री है तामीर वतन की, कि तामीर वतन ने 2015 से लेकर 2023 तक अपनी तमाम पोजीशंस को, अपने तमाम नतायज का तसलसल बरकरार रखा है। तामीर वतन का स्टार्ट साल 2007 में लिया गया। इस वक्त तामीर वतन 4 शहरों में 10,000 तलबा व तलबात के साथ साथ 1,000 असातिज़ा को लेकर चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह साल 2007 से लेकर 2023 तक इन 16 सालों में ना सिर्फ तामीर वतन 9th में बल्कि 10th में, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, ईटा इंजीनियरिंग में, एमडीकेट मेडिकल में, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम एग्जामिनेशंस को ना सिर्फ टॉप किया है बल्कि ओवरऑल बहुत बेहतर परफॉर्म करवाया है। इन तमाम बेहतरीन नतायज पर मैं अल्लाह का जितना भी शुक्रिया अदा करना चाहूँ उतना कम है। तामीर वतन के स्टूडेंट्स न सिर्फ बोर्ड टॉप करते हैं बल्कि ईटा, मेडिकल और इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम्स भी टॉप करते हैं। रिसेंटली एग्ज़ाम्स दो कंडक्ट किए गए ईटा इंजीनियरिंग की तरफ से, ईटा इंट्रेंस टेस्ट पार्ट 1 जिसमें टॉप 7 में तामीर वतन ने 5 पोजीशंस मेटी, ईटा इंट्रेंस टेस्ट पार्ट 2 जिसमें तामीर वतन ने टॉप 7 में 12 बच्चों ने पोजीशंस हासिल की। ईटा मेडिकल हो या इंजीनियरिंग या एबटाबाद बोर्ड हो, जब तक बच्चे कॉन्सेप्चुअली साउंड नहीं होंगे, टेक्निकली स्ट्रांग नहीं होंगे, उस वक्त तक ये कामयाबी नहीं समेट सकते। मैं इस दफ़ा का इम्तिहान जो कि 9th क्लास का SLO बेस्ड एग्ज़ाम था, मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ बोर्ड की इंतज़ामिया को, खुसूसन चेयरमैन साहब को, जिनकी ये कोशिश रही है कि बच्चे SLO बेस्ड एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करें। इसका लॉन्ग टर्म बड़े फ़वाद हैं। ऐसे बच्चे जो आज SLO बेस्ड एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, आने वाले वक्तों में इनको ईटा मेडिकल और ईटा इंजीनियरिंग में एग्ज़ाम देते हुए बड़ी आसानी होगी। हमारे बच्चों ने इस दफ़ा SLO बेस्ड एग्ज़ाम दिया 9th क्लास का। अल्हम्दुलिल्लाह 9th क्लास में भी ओवरऑल फर्स्ट और सेकंड पोजीशन इंस्टीट्यूशन तामीर वतन की है। मैं बहुत पुर उम्मीद हूँ इंशाल्लाह आने वाले मंथ में जब FSC का नतीजा निकलेगा,
आने वाले मंथ में जब मेडिकल के बच्चे ईटम मेडिकल के एग्जाम या एमडीकेट मेडिकल के एग्जाम देंगे, उम्मीद है इंशाल्लाह तामीरियंस बेहतरीन परफॉर्म करेंगे। मैं इस उम्मीद के साथ कि इंस्टीट्यूशन तामीर वतन हमेशा तरक्कियां करता रहे, इंस्टीट्यूशन तामीर वतन की इंतजामिया टॉप मैनेजमेंट अपनी सोसाइटी की बेहतर मानों में खिदमत सर अंजाम देती रहे, इंशाल्लाह आने वाले सेशंस भी इंस्टीट्यूशन तामीर वतन के सेशन से आप हमेशा तामीर वतन को मैट्रिक हो या इंटर ईटा हो या कोई भी एग्जाम हो, स्टूडेंट्स को इस अंदाज में पॉलिश किया जाता है कि कोई भी एग्जाम हमारे बच्चों के लिए मुश्किल एग्जाम नहीं होता। इंशाल्लाह हम अपनी काविश जारी रखेंगे ताकि हमारा बच्चे न सिर्फ टॉप करें बल्कि हर बच्चा कामयाब हो इंशाल्लाह। तामीर वतन जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। डी डबल ए न्यूज से बातचीत करते हुए टॉपर तालिबा इमाम नूर ने कहा, तामीर वतन पब्लिक स्कूल एंड कॉलेजेस एबटाबाद से हूँ। आज मैंने एबटाबाद बोर्ड में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। इस खुशी के मौके पर मैं सबसे पहले अल्लाह ताला की शुक्रगुजार हूँ जिस अजीम हस्ती ने मुझे इतनी बड़ी नेमत से नवाजा है। उसके बाद मैं अपने पेरेंट्स की शुक्रगुजार हूँ जिनकी कॉन्टिन्यूस स्ट्रगल्स की वजह से आज मैं यहाँ हूँ। इसके बाद मैं अपने टीचर्स का और अपने इंस्टीट्यूट का शुक्रिया अदा करती हूँ। एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसने मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है कि मैं अपनी सलाहियतों को उजागर कर सकूँ। इसके साथ मैं हमें ये दुआ करती हूँ कि मैं अपनी वालदैन और अपने पाकिस्तान की अच्छी बेटी साबित हो सकूँ। एबटाबाद बोर्ड में दूसरी पोजीशन हासिल करने वाली तालिबा तुबा मुर्तजा ने कहा, मैं तामीरतन पब्लिक स्कूल एंड कॉलेजेस एबटाबाद की स्टूडेंट हूँ। मैंने SSC बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 के अंदर ओवरऑल सेकेंड पोजीशन हासिल की है और इस कामयाबी पर मैं सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी से हमकनार किया है। इसके बाद मैं अपने पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस सारे स्टेज तक लाने में मेरी मदद की है और हर मरहले में मेरी मुझे गाइडेंस प्रोवाइड की है। इसके बाद मैं अपने इदारे की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ और अपने प्रिंसिपल मलिक एहसन सईद साहब और अपने डायरेक्टर जनरल मलिक मोहसिन सईद साहब का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमें ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है कि जहाँ पर हम अपनी सलाहियतों को निखार सकें। इसके बाद मैं अपनी मैम शाजिया का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि वो हमारी ऐसी मेंटोर रहीं कि उन्होंने हमें हर वक्त गाइडेंस प्रोवाइड करती रहीं। हमें बड़ी खुशी है कि ये बहुत अच्छा अदारा है तामीर वतन और बच्चों को बहुत फ़ायदा हो रहा है और स्कॉलरशिप इनका जो प्रोग्राम है उससे काफ़ी ज़्यादा गरीब बच्चे जो है फ़ायदा उठा रहे हैं और उनकी एक अच्छी पोजीशनें आ रही हैं और आगे तालीम के मैदान में तरक्की कर रहे हैं।